मैं क्या मानता हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लो, देश के नाम पे अगर कोई झूठा निकलेगा तो मोदी ही जी निकलते हैं और कोई निकलेगा नहीं। आज जो देख रहे हैं मोर को दाना खिलाना ये करना, ऐसे हिटलर भी करता था। जर्मनी का, जर्मनी का हाल देखा आपने, तो जर्मनी में वो भी झूठे राष्ट्रवाद की बातें करते, तो वो झूठा हमारा एक प्रधानमंत्री आज इस देश पे जो लागू है। रेलवे को नहीं बेच सकते हो आप, हवाई अड्डों को नहीं बेच सकते हो आप, लाल किले को नहीं बेच सकते हो आप, जितने BSNL कंपनी, इनको जितनी कंपनियां सब इनको बेचे जा रहे हो, इन्होंने खरीदी थी क्या ये कंपनियां? यूपी में 100% राम राज्य होगा। राम राज्य का मतलब ही समझ लो आप, क्या राम राज्य, ये राम राज्य है तो भैया पहले भी ऐसे ही होता होगा। आज यहाँ पे गैंग रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, कब्जा हो रहे हैं, घरों को फूंक दिया जा रहा है, महिलाओं के हाथ काट दिए जा रहे हैं। भाई ये राम राज्य है तो ऐसा राम राज्य किसी को नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि पूजने से किसको क्या मिलेगा ये बताइए। चलो मान लेते हैं आप राम मंदिर बन जाए, हाँ पूरे भारत में हर जिले में हर गाँव में राम मंदिर बना दो, उससे क्या भला होगा इंसान का? एक बात बताइए, रामायण के अंदर भी अगर मान लिया जाए भाई वो गए और उन्होंने सीता जी को और रावण को मार के ले आए, क्या इंडिया में लंका को मिलाया था राम ने? भारत के लिए क्या किया है बता दीजिए? एक भी काम नहीं, सिर्फ भावना को भड़काना। यूपी में पूर्ण रूप से जंगल राज हो चुका है, कानून का कोई राज नहीं है, यहाँ प्योरली मनुस्मृति के तहत में आज इनका शासन चल रहा है। अब किसी RSS का एजेंडा है भारतीय संविधान को नष्टनाबूद करना, उसको ख़त्म करना। ये जो चीज़ झूठी राष्ट्रभक्ति वाला जो कान चलाया था इन्होंने 2014 से पहले कैंपिंग चलाई थी, और जो युवाओं को बहकलाया गया था रोजगार के नाम पे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नाम पे, तो इस तरीके की जो चीज़ें चली थी उसमें काफ़ी हद तक इन्होंने मीडिया को कैप्चर किया गया था। जो राष्ट्रीय मीडिया है हमारे देश की प्राइवेट मीडिया, वो सारी हम लोग बोलते हैं मनवादी मीडिया, मनवादी मीडिया को कैप्चर करके इन्होंने सबसे पहले लोकतंत्र को जो प्रचार तंत्र क्या आ गया उसके ऊपर कोई खुल करके बोल नहीं पाया। तो एक बात बताइए, आज ये कोरोना की आड़ में जो एक तरफ जहां रोजगार उपलब्ध की बात आई थी, रोजगार आप ना दे करके वो जो दूसरे उनको बेचा जा रहा है प्राइवेट धन्ना सेठों को बेचा जा रहा है, तो रोजगार आज सरकारी नौकरी में मिलता है, धन्ना सेठ के यहाँ नौकरी पे मिलेगा? धन्ना सेठ किसको नौकरी देगी? वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, निजीकरण जो कर रही हैं ज्यादा, उसके लिए कोरोना नहीं है, उसके लिए किससे इन्होंने परमिशन ले रखी है? लोकतंत्र के अंदर बड़ी मुश्किल से यह देश आज़ाद हुआ, उस देश में यहाँ लोकतंत्र लागू हुआ, राजतंत्र को यहाँ नकार दिया गया, तो लोकतंत्र को अब राजतंत्र की तरफ ले जाना, लोगों की आज़ादी को ख़त्म करना, लोगों की सोच को ख़त्म करना, लोगों को बोलने के अधिकार को ख़त्म करना, ये जो सारा षड्यंत्र है, लोगों को जो एक सरकारी नौकरी मिली, आप आरक्षण की बात होती है, अभी आरक्षण की वजह से, सिर्फ ये आरक्षण नहीं है, प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व क्यों है? हिस्सेदारी। जिसके पास में जमीन जायदाद नहीं थी, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, जिनके पास कोई मानवीय अधिकार नहीं था, उनको अगर ये सब कुछ मिला, भारतीय संविधान ने दिया, बहुत से महापुरुषों की मेहनत इसके तहत में जुड़ी, आज उन चीजों को खत्म करने का जो इनका षड्यंत्र चल रहा है वो निजीकरण के माध्यम से चल रहा है। लेकिन सरकार कह रही निजीकरण से रोजगार बढ़ेगा, लोगों को अवसर मिलेंगे, अमेरिका मॉडल की तर्ज पे वो लोग देखिए, कोई अमेरिका मॉडल, अमेरिका 100% एजुकेटेड कंट्री है, वैज्ञानिक कंट्री है, ये एक तरफ आप अमेरिका को बात कर रहे हो, और एक तरफ आप शिक्षा को खत्म कर रहे हो, स्कूल कॉलेजों को खत्म कर रहे हो। जो आदमी मजदूरी के नाम पे, यहाँ पे मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट में चले जाइए, वहाँ 8-8, 7-7 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये में महिला आदमी काम कर रहा है, क्या 6,000-7,000 रुपए के माध्यम से वो अपने बच्चों को पढ़ा लेगा निजीकरण में? कैसे पढ़ा लेगा स्कूलों में? तो एक बात बताइए, एजुकेशन नीति जो इन्होंने लेकर के आए हैं, उसमें इन्होंने उस गरीब तबके के लिए क्या किया? आप 100% एजुकेशन को एक समानता के तहत में कर दीजिए, एक नीति की कर दीजिए, एक ड्रेस कोड करिए ना, राष्ट्र आगे बढ़ेगा, अमेरिका बनेगा।
आप एजुकेशन ही जब जिसका नीम ही आप खराब कर दोगे, उसकी सोच खराब कर दोगे, तो किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा विरोधी के साथ में वो योग्यता वाले जो लोग हैं, जो निकल के आ रहे हैं, जो आप जिनको आप नीची सोच वाले या उसको नीची जात वाले लोग बनते हैं, जो लोग निकल के आए IAS डॉक्टर इंजीनियर IPS बन रहे हैं, उन लोगों से उन लोगों ने क्या काम करा है, वो लोग संविधान की बात बोलने लगे, वो लोग समानता की बात बोलने लगे, वो लोग अपने हक अधिकार की बात बोलने लगे, उन वो जो ओबीसी तबका है, ओबीसी तबके को भी ये समझाने लगे कि जैसे अभी आपने योगी जी के समय पे देखा था, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद में अखिलेश भी अपने आप को दूसरे अपने आप को मानते थे जनरल, तो जैसे वो मुख्यमंत्री पद से हटे उनकी कुर्सी धुलवाना, उनके जहां वो रहे थे उस बंगले को गाय मूत से और उससे धुलवा करके उसको 11 दिन यज्ञ करना, तो अखिलेश को टोटी चोर बता देना, ये पिछड़ा समाज का जो भी नेता है, जो भी अधिकारी है, वो आज अधिकारियों को भी टारगेट करे, कारण है उनका मनोबल डाउन करना। आप किसी भी अधिकारी को देख लीजिए जो SC तबके का, वो कितना डरा हुआ है, उसकी तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, उनको कितनी पावर दे रहे हैं, कितने आज कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन सर ब्राह्मण कहने की हमें मारा जा रहा टारगेट करके, देखिए ब्राह्मण को मारने वाली बात जितनी भी है, जितने लोग क्रिमिनल माइंड रहेंगे चाहे किसी भी उसके हो, लेकिन एक जात को या उसको टारगेट करना, ये एक अलग तरीके का गुमराह करने वाला इनका माहौल चल रहा है। इनका टारगेट प्योरली कैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को शहीद कर देना। जैसे आपको बता दूं, जब ये इन्होंने अयोध्या वाला मामला भी छेड़ा था, अयोध्या मामला क्या था, दो लोग झूठे लोग आपस में एक प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, दो लोगों ने हिस्सेदारी का केस ठोक दिया, ये मेरी है मेरी, जबकि दोनों मालिक नहीं है, मालिक तीसरा है, और तीसरे कोर्ट ने क्या करा, एक के बदले में फैसला कर दे दिया। तो ये जो मिली भाव चल रही है ना, एक दूसरे को भड़काने वाली, वो एक राजनीतिक इनकी इतनी ऐसी सोच पे काम कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डीपली जहाँ से मतलब भावनाओं से खेलना, कभी धर्म से खेलना, एक मुद्दे के बाद में बात होती, दूसरा मुद्दा उछाल देना, तीसरा मुद्दा उठाना, जिस पर ज्यादा पब्लिक तो फोकस करते हैं, करते बात कर रहे हैं। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी चीज बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो खुदाई पे जो सबूत निकले हैं, अशोक के निकले हैं, बोध के निकले हैं, अवशेष के निकले, वो कहाँ आप उसको जुटला दोगे। हम सबको सम्मान देते हैं, लेकिन जहाँ इंसानियत को मारा जा रहा हो, जहाँ शिक्षा को मारा जा रहा हो, जहाँ लोकतंत्र को कुचला जा रहा हो, जहाँ संविधान को कुचला जा रहा हो, खत्म किया जा रहा हो, हम ऐसे सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज जहाँ भी जैसे हो गए वो उठाएंगे। लेकिन योगी जी कह रहे हैं गुंडे यूपी में थरथर कांप रहे हैं। कहाँ गुंडे, मैं कह रहा हूँ गुंडे तो मौज ले रहे हैं भाई साहब। योगी जी पे कितने मुकदमे दर्ज हैं, आपको पता है मुकदमे कितने योगी जी पे दर्ज हैं, वो देख लीजिए आप। जो खुद पे इतने मुकदमे दर्ज, 302 का मुकदमा उनके ऊपर है। भाई साहब एक बार बताइए, मैं राजा बन जाऊं, कुछ भी हटा लूंगा अपनी मर्जी से, जो हो जाएगा क्या, जो कानूनी किताब उन्हें फाड़ दोगे क्या आप, वो तो लगा हुआ इतिहास में। यूपी छोड़ चुके हैं या फिर भैया वो बैठे हैं वो सत्ता में, भाई जी सत्ता में बैठे, बताइए कितने विधायक जितने हैं उनके देख लो ना आप। तो योगी जी को गुंडे मानते हैं? मैं गुंडा आपको, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि गुंडे हैं, मेरा मतलब तो यह है जिस पे केस की बात कर रहे हो आप, केस है वहाँ, केस दर्ज है नहीं है ये बताइए उनके ऊपर, केस है कितने केस थे उनके ऊपर? अब तो कुछ नहीं है, पहले थे केस। भाई जी आप कैसे कह दोगे कुछ नहीं है, अब इलाहाबाद में जो केस चल रहे हैं वो खत्म हो गए क्या? ऐसे नहीं होते केस भी खत्म। मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, जो दर्ज हैं, जैसे आज भी प्रधानमंत्री के ऊपर जो अगर गोधरा कांड हुए हैं तो गोधरा कांड का नाम अभी भी दर्ज है, ऐसा नहीं वो खत्म हो जाएगा। आज गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री के बलाब में जो केस दर्ज थे उनके ऊपर हैं अभी, ऐसा नहीं है वो इतिहास में खत्म कर दोगे, वो कुछ भी कर लोगे। एक ईमानदार मुख्यमंत्री हो, एक ईमानदार शासक हो, तो आपका सबसे पहला काम यही है कि आप कोर्ट में ईमानदारी के तहत में अपने दिखाइए, उसको केस को चलने दीजिए। कोर्ट अलग है, सत्ता अलग है, जज के पास पावर है। जो क्रिमिनल होगा जिस पे गुनाह सिद्ध होगा तो उसको सजा देने का अधिकार किसको है? कोर्ट को है। और कोर्ट को अगर तुम उस पर प्रेशर करके उसको केस को हटा दोगे या उस जज को आप ट्रांसफर कर दोगे या लोहा जज को मार दोगे तो आप क्या डर पैदा कर रहे हो? एक सुप्रीम कोर्ट के जज अभी जिसके ऊपर चल रहा है, जो राम अयोध्या का मामला दिया, उनको क्या बना दिया आपने? राज्यसभा सांसद दे दिया। अब उसको आसाम का मुख्यमंत्री घोषित करो, आप लालच दे रहे हो कोर्ट जजों को।
जो जुडिशली में है, जो न्यायालय पे बैठा हुआ ऐसे जजों को आप पहले ही ऐसे दे रहे हो तुम आप हमारे फेवर में, क्या आप कहने मतलब कि डर का माहौल है देश में? पूर्ण रूप से डर का माहौल है, पूर्ण रूप से आतंक का माहौल है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो बोल रहे हैं, जो टीवी पे दिखाया जा रहा है, बॉलीवुड की बात करो तो बॉलीवुड में आप देख लीजिए हालात क्या हो रहे हैं। एक आदमी मारा, उससे पहले कितने मारे किसी ने नहीं बोला। आज जो बोला जा रहा है, इसका जो ध्यान जो भटकाने का कार्य हो रहा है, एक केस को किसी तरीके मेन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। विकास पे कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है, ये जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा जी? ये इनकी अपनी धरोहर है क्या? ये जनता इस देश की धरोहर है, ये मेरी धरोहर है। देखिए ऐसा है, सरकारी या कर्मचारी काम ना कर रहा होता तो देश की तरक्की आज तक देख लीजिए कितनी बड़ी है। सरकारी अधिकारी डरता है गलत काम करने से, उसकी एक भी अगर सबूत मिलता है उसकी नौकरी जाने से, उसे पता है मेरे को चला जाऊंगा। प्राइवेट आदमी से डर लो, क्या डरोगे? भी तो सरकारी कर्मचारी होते हैं। देखिए भ्रष्ट तो सबसे ज्यादा सरकार हमें भ्रष्ट नजर आ रही है, कर्मचारी तो हमने देख रहे कितने भ्रष्ट है। इतना तो है, उसका काम तो होता है। तो तुम एक बताओ, तुम भ्रष्टाचार देख रहे हो? एक आदमी कर रहा है, एक फाइल पे काम कर रहे हो, वो भ्रष्ट नजर आ गया। एक आदमी पूरी कंपनी को, पूरी संस्था को देख रहा है, वो भ्रष्ट नजर नहीं आ रहा। तो आप नहीं मानते एक मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत हाथों में मजबूर प्रधानमंत्री बन गया है, यही दुर्भाग्य है। ये ईवीएम का प्रधानमंत्री बना है, लोकतंत्र का चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये बार बार बोल रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, जो कांग्रेस ने घोटाला करा था 2004 से लेकर के 2014 तक ये सरकार बना कर रहे थे, अब वही चीज भाजपा ने बनाई है। तो इनकी मिली भगत चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, युद्ध चल रहा है। बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं, समाजवाद के जितने भी नेता हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, डर रहे हैं सब। इस सरकार से जनता का क्या नुकसान हो? जनता का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आज जनता चिंता वो कर रही है जो सरकार ने करनी चाहिए थी, जो सरकार विपक्ष को बोलना चाहिए वो आम जनता को बोलना पड़ रहा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं कोई राजनेता नहीं हूं। ये बोलने की जिम्मेदारी हमारे विपक्ष के नेताओं को, विधायकों की है, सांसदों की है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों की है कि वो सरकारी संस्थाओं को बेचने की परमिशन कैसे देता है। ये जिम्मेदारी हर उस आदमी की है जो उसकी पावर में बैठा हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, उसकी रक्षा के लिए वो बैठाए हुए हैं, ना कि उसको देखने में उसकी चोरी या डकैती में सम्मिलित हो जाए। आज देश पूर्ण रूप से डकैतों के हाथों में है, इसको लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बस ये किस तरीके से बच जाए, आने वाले बच्चों के भविष्य बच जाए, सुरक्षित हो जाए। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, जो किसी भी रूप में आज हम जैसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारी चिंता यही है कि देश के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, मैं उनसे अपील करता हूँ, अभी भी समय है ये अपने आप को सुधार करके अपनी धन संपत्ति को अपने भ्रष्टाचार के कारण में ईडी और सीबीआई से डरना बंद कर दें, और वो सीधा सीधा इस सरकार के काले कारनामों की लेकर के सड़कों पर आएं और आंदोलन करें। यही एकमात्र विकल्प है, और कोई अब बचा नहीं है।